और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। फूडगुरुमलोत्रा.com में आपका स्वागत है, आपके साथ है आपकी शेफ नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, अब थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ गया है, ठंडी है, तो ऐसे में हम गर्मा गर्म कुछ ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं तो बहुत मजा आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ दाल के स्टफ पराठे, देखते हैं इसकी सामग्री। तो देखिए ये है दाल, यह मूंग और चने की दाल है जिसे हमने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसे कुकर में बॉईल किया, बल्कि ज़्यादा नहीं बॉईल करना, सिर्फ 1 सीटी, और उसके बाद हमने इसे छाननी में पानी निकलने के लिए रख दिया था। ठीक है, यह है देसी घी जो पराठे के लिए लगेगा, ये गेहूं का आटा है, यह है प्याज कटा हुआ बारीक, यह है जीरा और धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी अजवैन है, ये हरा धनिया है, ये अमचूर पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये स्वाद के अनुसार नमक है, ये रिफाइंड ऑयल है, और ये आटा मलने के लिए पानी है। ये अब सबसे पहले हम हमारा आटा मलने के लिए लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा आटा मलने के लिए लेते हैं। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे इस तरह से आटा, ये हमने देखिए एक बड़ा बाउल भर के आटा रखा है, करीबन यह 1.5 किलो जितना आटा है। इसे आप इस तरह से डाल लीजिए पूरा, थोड़ा सा आप रहने दीजिए आटा, ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा नमक आटे में, देखिए इस तरह से आप चुटकी से अपने अंदाजे से थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। इसके बाद हम इसमें हल्का सा तेल डालेंगे जिसे हमने अच्छी तरह गर्म करके फिर ठंडा कर लिया था, इसे हम थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से, इससे पराठे थोड़े खस्ता हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आटे को देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अब इसमें पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लेंगे जैसे हमें रिक्वायर्ड है, इस तरह से हम पानी लेके इसे अच्छी तरह से मल लेंगे। किस तरह से हमारा आटा मल के बढ़िया तैयार हो गया, देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मल के रख लिया है। अब हम हमारे दाल के मिश्रण की तैयारी करते हैं। हम इस दाल को मिक्सर में सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सर में डाल के इस तरह से हमारा मिक्सर, किस तरह से हमारा दाल का मिश्रण फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को इस बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये दाल बहुत बढ़िया पीस के तैयार हो गई है, इसे इस तरह से पहले हम निकाल के रख देंगे। ये हमने दाल इसमें निकाल ली है। अब इसके बाद हम इसमें ये है लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, थोड़ा सा कलर भी आ जाता है और थोड़ा सा तीखा हो जाता है। और ये थोड़ा अमचूर, स्वाद के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। और यह अजवाइन डालनी है, अजवाइन अगर आपको पसंद नहीं तो आप नहीं डाल सकते, बट अजवाइन डालेंगे तो इसमें एक उसका अच्छा स्वाद आ जाता है और वो हमारे लिए पेट के लिए भी अच्छी है। और यह है जीरा और धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा हम डाल देंगे इस तरह से। ये कटा हुआ प्याज है बारीक, इसे हम डाल देंगे इसमें, आपको ज़्यादा पसंद है पूरा डाल सकते हो, नहीं तो आधा डाल सकते हो। और यह है कटा हुआ धनिया, धनिया हम डाल देंगे। अब हम हमारी स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, चम्मच के साथ या हाथ से आप अच्छी तरह से इसे इस तरह मिक्स कर लीजिए। देखिए ये हमारी बहुत बढ़िया स्टफिंग बनके तैयार हो गई है जो हमारे परौठे में जाएगी। देखिए यह दाल की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम हमारे परांठे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारी गैस को ऑन कर देते हैं इस तरह से, और हम हमारा यह तवा गर्म होने के लिए रखते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म होगा तब तक हम हमारा पराठा बेल लेते हैं। चलिए अब हम हमारा पराठा बेल लेते हैं। हम इसके 2 गोले बनाएंगे। और इसे इस तरह से बेल लेंगे पहले। इसी तरह हम दूसरा भी दूसरा भी लेके बेल लेंगे।
देखिए हमारे ये दोनों बेल के हो गए। अब हम इस पे हल्का सा घी या तेल जो भी है लगा लेंगे, आप जो चाहो लगा सकते हो घी इस तरह से। और हम इस पे हमारी स्टफिंग डाल देंगे, इस तरह से आप इस पर रखिए स्टफिंग, दाल की स्टफिंग डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा फैला दीजिए इस तरह से। और अब इस पर यह दूसरा जो हमने बेला हुआ है वो इस पर डाल के हम इसे अच्छी तरह से साइड से प्रेस कर लेंगे, पलटी मार के देखेंगे अच्छी तरह से लॉक हो गया। थोड़ा सा हम इस पे आटा लगाएंगे दोनों तरफ से इस तरह, और इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से बेल लेंगे। आराम से इसे बेल लेना है ताकि ये स्टफिंग बाहर ना आए। आप जैसा चाहे इसे बना सकते हैं छोटा बड़ा, देखिए आराम से बेलेंगे तो इसकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती है। पराठा थोड़ा सा मोटा ही होता है तो बस हम इसे इतना ही बेलेंगे। अगर आप बहुत बड़े चाहते हो तो आप बड़े बड़े गोले बनाएंगे तो आप बड़ा पराठा बना सकते हो। देखिए यह हमारा बेल के हो गया, साथ ही साथ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो चलिए हम हमारा ये पराठा तवे पे डाल देते हैं इस तरह से। जब तक ये सिकता है हम दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं। हमारा पराठा एक तरफ से करीब करीब सिक गया है, हम इसे देख लेंगे। हाँ देखिए कितना बढ़िया सीख गया है। अब हम इस पर हमारा घी या तेल जो भी आप लगाना चाहो इस तरह से लगा देंगे। देखिए कितना बढ़िया पराठा सीख के तैयार हो गया है। देखिए हम इसे अभी इस तरह से पलटी मार देंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी सीख के तैयार हो गया है। हम इस तरफ से भी इस तरह घी लगा देंगे जैसे हमने उस तरफ लगाया था। यह हमारा करीब करीब पराठा पूरी तरह से बन के सिक्के तैयार हो गया। चलिए अब हम इस तरफ से देखते हैं इसे यह कहाँ तक हो गया। वाह ये बहुत बढ़िया सिक्के तैयार हो गए। हमारी आंच को अब धीमी कर देंगे। यह हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से सर्विंग के लिए। इसी तरह हम हमारा दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो देखा साथियों आपने किस तरह से हमारे बढ़िया स्टफ दाल पराठे बन के झटपट तैयार हो गए। देखा साथियों किस तरह से ये हमारे स्टफ दाल के पराठे झटपट बनके तैयार हो गए। इसमें हमने जो दाल यूज की है चना दाल और मूंग दाल बहुत हेल्दी है। जो भी हमने रेसिपी यूज की है मसाले यूज किए आपने देखा, ये आप गर्मा गर्म बनाइए नाश्ते में खाइए, अपने गेस्ट आएंगे उनको खिलाइए। ये आप दही के साथ खा सकते हो, ब्री चटनी से ले सकते हो, केचप के साथ खा सकते हो, या पिकल के साथ खा सकते हो, चाय से खा सकते हो। तो आप घर में ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसे लगे या गर्मा गर्म स्टफ दाल पराठे। तो अगले नए एपिसोड में आपको मिलती हूँ आपकी शेफ नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।